अध्याय दूसरा, प्रकृति का संरक्षण। बच्चों, क्या तुम मुझे बता सकते हो हमें आराम से रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। कैसे? महोदय, हमें अपनी भूमि, जंगल, जंगली जानवरों, पशुधन, जल संपदा और हवा का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। आओ हम कैसे उन्हें संरक्षित करें ये सीखें। बच्चों, क्या तुम मुझे बता सकते हो भूमि संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ये मिट्टी है जो जमीन को ढकती है? बच्चों, भूमि ना केवल मिट्टी है जो कि तुम सतह पर देखते हो, बल्कि मिट्टी की मोटी सतह के नीचे पत्थर और चट्टान भी हैं। मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज और पोषक तत्व जो कि पौधों के पोषण के लिए जरूरी है। मिट्टी बारिश के पानी को सोखती और एकत्रित करती हैं। यदि बचाव नहीं किया गया तो ये अमूल्य मिट्टी बारिश के पानी से धुल सकती हैं या हवा से उड़ सकती हैं। हमारे खेतों को उपजाऊ बनाने और मिट्टी के बहाव को बचाने के लिए हमें खाद डालनी चाहिए। इसे मृदा संरक्षण कहते हैं। क्या हम अब ऐसी भूमि को बेहतर बना सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। इसमें पहला चरण है ढलान के इर्द गिर्द मेड़ बनाएं। बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए मेड़ों के साथ खांचा भी खोदें। मिट्टी को ढकने के लिए घास और पौधों के बीज बोएं। आओ हम देखते हैं कैसे बहुत छोटी सी बाहरी कोशिश से प्रकृति अपने आप को कैसे फिर से उत्पन्न करती है। बच्चों, अब जाने जल संरक्षण के बारे में। क्या तुम जानते हो पानी क्यों जरूरी है? हाँ महोदय, जल हर जीवित प्राणी के लिए जरूरी है। पानी की वजह से पौधे जल्दी बढ़ते और ज्यादा उत्पादन करते हैं। वायुमंडल ठंडा रहता है। हमें हमारे जीने के लिए पानी चाहिए। बहता पानी विद्युत उत्पन्न कर सकता है। बहुत सी मछलियाँ और अन्य जलचर जीव जंतु जैसे घोंघे और झींगी भी पानी में रहते हैं। ये जंतु पानी को स्वच्छ रखते हैं और हमारे लिए भोजन के रूप है। ओ हाँ, आओ कुछ जल स्रोतों के बारे में बताएं। कुएं, टैंक, नदियाँ, बर्फीले पर्वत और समुद्र जल के स्रोत हैं। ओ हाँ, अब कुछ जल स्रोतों के बारे में बताता हूँ। याद रखो, वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। कुछ वर्षा के पानी का भाग मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है और जमीन में पौधों को पोषण देने के लिए संग्रह हो जाता है। वर्षा के पानी का भाग जो कि मिट्टी द्वारा नहीं सोखा जाता, टैंक और नदियों में बहकर समुद्र में पहुंचता है। जैसा कि तुम जानते हो, दिन प्रतिदिन हम पानी की कमी को देख रहे हैं। पानी की कमी के कारण है बढ़ती जनसंख्या और वर्षा के जल को संरक्षित करने की हमारी असमर्थता। हमें वर्षा के जल को टैंक में संरक्षित करना चाहिए तथा समुद्र में नहीं जाने देना चाहिए। बारिश का पानी स्वच्छ और पीने योग्य होता है। हम वर्षा के पानी को अपने घर के छज्जों पर एकत्रित कर सकते हैं। महोदय, आमला वर्षा क्या है? बच्चों, आओ अब देखें हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जंगल व वन्य प्राणी संरक्षण। जंगल व्यापक श्रेणी के पौधे और जानवरों
जिसे जीव विविधता कहते हैं, उसका खजाना है। पेड़ हवा को साफ, मिट्टी का बचाव, मिट्टी को ज्यादा पानी सोखने में मदद करते हैं तथा वायुमंडल को ठंडा रखते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ताजी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि सांस लेने के लिए जरूरी है। बच्चों, क्या तुम पेड़ों के फायदों की सूची बना सकते हो? हाँ महोदय। पेड़ हमें भोजन, चारा, ईंधन, लकड़ी, दवाइयाँ, शहद, मोम, गोंद व लाख प्रदान करते हैं। वे पक्षियों और वन्य प्राणियों के लिए छाया व आश्रय प्रदान करते हैं। पत्ते पशुधन के लिए भोजन बनाते हैं। बहुत अच्छे। इनमें से कुछ जंगली जानवर पत्ते और फल खाते हैं और कीट जो पेड़ पर आक्रमण करते हैं, कुछ जंगली जानवर दूसरे जंगली जानवरों को खाते हैं। दरअसल हम इंसान प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते। हम नए पौधों का रोपण और सुरक्षा किए बिना पेड़ काटते हैं। इससे हमारे जंगलों में पेड़ों की कमी हो गई है। अब हमारे पास बहुत कम क्षेत्र में जंगल रह गए हैं, जो कि हमारे वायुमंडल को ताजा और ठंडा रखने के लिए जरूरी है। इससे पर्यावरण तंत्र असंतुलित होता है, इसलिए हमें जीव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी असंतुलन कहते हैं। पेड़ों, वन्य प्राणियों और इंसानों का अनुपात बदल रहा है। ये एक अच्छा इशारा नहीं है। मानव द्वारा अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी वन्य संपदा लुप्त हो रही है। इसके बचाव के लिए हमें जंगलों का संरक्षण करना चाहिए और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों, क्या तुम जानते हो वायुमंडल क्या है? हाँ महोदय, ये हमारे आसपास की गैस है। बिल्कुल ठीक। वायु बहुत सी गैसों जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अर्गन, मीथेन और ओजोन से निहित है। समुद्र तल के 12 किलोमीटर ऊपर हवा की संरचना बदलती है। ऊपर की परत पर ज्यादा ओजोन होती है। ये ओजोन परत सूर्य की रोशनी में निहित अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती हैं। अगर ओजोन परत नहीं रहती तो ये हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाती हैं।